हेलो जी, सलामत पागी। इंडोनेशिया का पदार आइलैंड और पिंक बीच देखने के बाद हमारा 4 दिन का बोट टूर पहुंच गया था कोमोडो आइलैंड। आज के वीडियो में हम देखेंगे कोमोडो ड्रैगन्स, समुंदर के 50 शेड्स ऑफ ब्लू, कुछ बेहतरीन आइलैंड्स और हमारी डूबती हुई नाव। इतनी क्रेजी धूप है, लक्ष्मीपति बालाजी हो गए हैं, टैन हो गए। अत्यधिक गर्मी में हम आ गए हैं कोमोडो नेशनल पार्क। ओह माय गॉड, बड़ी बड़ी छिपकलियां डायनासोर की। भतीजी कोमोडो, काफी उम्मीद है मुझे कि दिस इज द ओनली कोमोडो विल सी। और हमारा टूर ग्रुप तो चुपचाप चल रहा है क्योंकि कोमोडो भाग जाते हैं, बट मुझे 100% यकीन है कि कोमोडो तो नहीं दिखेगा हमें। 45 मिनट्स का वॉक है। कोमोडो का नेस्ट, यहाँ देता है कोमोडो अंडे और हम बनाते हैं ऑमलेट। कैसे जी इस पेड़ है पे। तो अभी भाई मुझे तो लग रहा है पूरा स्कैम है, क्योंकि जितने लोग अभी टूर पे आए हैं ना, जितने लोग मिले सबने बोला पूरा ऐसा ये धूप में वॉक कराया और एंड में बीच पे कुछ कोमोडो दिख गए, तो मुझे लग रहा है ऐसा जू टाइप सीन होगा। कोमोडो ड्रैगन्स दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली होती है, जो 10 फीट और 80 किलो तक बड़ी हो सकती है। वैसे तो इस आइलैंड पे 1700 कोमोडो ड्रैगन्स हैं, मगर हमको गाइड ने बताया कि मेटिंग सीजन के चलते वो सैक्स करने में बिजी हैं, तो 5000 टूरिस्टों के साथ सेल्फी खिंचाने नहीं आ पाएंगे। मगर घबराने की कोई बात नहीं है, आप इतना महंगा टिकट लेके आए हैं, इस उपलक्ष्य में हमने एक तंदुरुस्त सा ड्रैगन इंजेक्शन लगा के सेल्फी पॉइंट पे रख रखा है। ओके, दिस इज इट। नेक्स्ट, लाइन लगी हुई यहाँ पे फोटो खिंचाने के लिए। पीपल आर हैप्पी, दे हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी टू सी दिस। समथिंग हैपेंड देयर, वी हैव अ न्यू ड्रैगन। ये आ गया छोटू कोमोडो। हे ब्रो, खुश है लोग फोटो खिंचा के। तो कोमोडो का ऐसे नहीं, कोमोडो जब अंडे से निकलते हैं तो वो निकलते ही पेड़ पे चढ़ जाते हैं, फिर 3-4 साल तक वो पेड़ पे ही रहते हैं क्योंकि नीचे उन्हें कोई खा जाएगा। बट अब पेड़ पे रहने का प्रॉब्लम ये है कि 1 साल पहले वाले जो उनके बड़े भाई भाई है वो भी पेड़ पे ही है, और कोमोडो आपस में एक दूसरे को खा जाते हैं, विच इज क्वाइट क्रेजी। जी हाँ, ये सच है कि कोमोडो आपस में ही एक दूसरे को खा जाते हैं। अब सोचिए, कोमोडो की मम्मी अंडा दे के उसकी रखवाली करती है, फिर जब अंडे से बेबी कोमोडो निकलता है तो पीछे से कोमोडो पापा आके बोलते हैं, अरे लंच बन गया। दैट इज व्हाई दे आर द ओनली सर्वाइविंग रिश्तेदार ऑफ डायनासोर, व्हिच इज कोमोडो ड्रैगन्स। शानदार पायलट हमारे। मॉर्निंग वीनस दियस, सुबह का बज रहा है 6 और नॉन स्टॉप बोट चले जा रही है कुछ 20 घंटे से, और तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब हो गई है, और रात भर किसी ने मेरी ब्लैंकेट चुरा ली तो बहुत ठंड भी लगी। एक दिन और, डे 3 है, कल पहुंच जाएंगे, आज का दिन और निकालना है बस। सुबह सुबह जाके पॉटी कर ली क्योंकि फिर गंदी हो जाएगी ना, तो फर्स्ट आ गया मैं। बट हाँ, आज का दिन और निकल जाए, दोबारा 4 दिन तो कभी बोट पर नहीं जाऊँगा मैं, हालत ख़राब हो गई भाई मेरी। ये है वेस्ट नूसा टंगेरा और इसके पीछे एक वॉल्केनो है, हम ईस्ट नूसा टंगेरा में थे और वो वाली साइड ईस्ट है क्योंकि सनराइज हो रहा है वहाँ से, और हम जा रहे हैं उस साइड विच इज़ लॉम्बोक। सुबह का 1 घंटा, शाम का 1 घंटा तो बहुत ही बढ़िया है, बाकी थोड़ा रफ है। वेरी क्लियर वाटर इन मोजो आइलैंड। Turkey tail on the mushroom stump. I got my knife and sack, gonna harvest a bunch. बड़ा सही लग रहा है अभी, बहुत ही सही टेम्परेचर है पानी का। बट दिस इज मोहो आइलैंड, यहाँ पे एक वाटरफॉल भी है, तो उसके बाद वाटरफॉल जाएंगे। सिटी बना दें, सिटी तो चली नहीं रही है, गए तो गए। बट सही है, और देखते हैं अंडर वाटर कुछ अगर बढ़िया मिलता है तो। मशरूम ऑन द स्टंप, मशरूम ऑन द स्टंप, मशरूम ऑन द स्टंप, मशरूम ऑन द स्टंप। वाटरफॉल
जा रहे हैं 20 मिनट का वॉक। ये तो बढ़िया लग रहा है, एक लुक्स नाइस एंड एडवेंचरस। काफी जनता है, एवरीबॉडी इज इन द क्यू। वाटरफॉल की आवाज आने लगी है, आई थिंक पहुंच गए ऑलमोस्ट। इज दिस इट? ये तो काफी थोड़ा सा अंडरवेलमिंग वाटरफॉल, जनता ऊपर चढ़े जा रही है, रस्ते अच्छी से स्लिप की पत्थरों पर। लोग सोच रहे हैं जाएं कि नहीं जाएं, वहाँ पे क्यू लग गया है वाटरफॉल के ऊपर चढ़ने का। काफ़ी लो आर ओ आई, हाई रिस्क लग रहा है ये। कोई बात नहीं, वंडर डाउन है हम। इज इट गुड? रस्सी से आई थिंक गोइंग डाउन वुड बी अ लिटिल डिफिकल्ट। ओके दिस इज इट, प्लीज द वाटर इज नाइस। एक और अंडरवेलमिंग डेस्टिनेशन इस ट्रिप में। अब बस 24 घंटे और बिफोर वी रीच समवेयर, उसके बाद भी बाली की फेरी लेनी है 3 घंटे की और 2 घंटे बस में बैठना है। I see that reishi mushroom on the hemlock tree. Gotta go get my ladder and bring it to my baby. Thank you very much for joining us in sailing, you know. Thank you for coming. नाव में आखिरी रात काफी जश्न का माहौल था। लोग थक तो काफी गए थे मगर हौसले सबके बुलंद थे, क्योंकि अगली सुबह एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड पर जा रहे थे, पुलाउ किनावा। गुड मॉर्निंग फ्रॉम गिली कनावा। हम जा रहे हैं सनराइज देखने। वो देखिए, वाह क्या पहाड़ है, इसके ऊपर चढ़ जाएंगे हम। पर भाई साहब आइलैंड तो बहुत ही छोटा है, वहाँ पे हमारी बोट है गई और आइलैंड पे सिर्फ एक पहाड़ है और बस ये इतना ही आइलैंड। ये आइलैंड के बीचों बीच में खड़े हम। ये तो आई थिंक ट्रिप का बेस्ट पार्ट है। ये तो बहुत ही बढ़िया आइलैंड लग रहा है भाई, एकदम फ्लैट आइलैंड है, जरा जरा से पेड़ है और घास है और बीच में एक परफेक्ट ट्रायंगल हिल है। वाओ ये तो काफ़ी स्टीप हो गया है। आ गए हैं पहाड़ के एसेंट पे। आई होप देर आर नो पिट वाइपर स्नेक्स, क्योंकि पटारा आइलैंड में हर जगह होते हैं पिट वाइपर स्नेक्स, जो नाम से ही इतने खतरनाक लग रहे हैं पिट वाइपर स्नेक। दिस इज माउंट रिंजानी, यहीं से इतना बड़ा लग रहा है। दिस इज 4,200 meters। नाइस स्पॉट, ब्यूटीफुल व्यूज, वेटिंग फॉर द सनराइज इन कनावा आइलैंड। बाय बाय बोट। वैसे तो मैंने बहुत ट्रैवल किया है मगर 4 दिन बोट पे मेरे लिए एक अनूठा एक्सपीरियंस था। जहां एक तरफ प्रकृति के नजारे इतने खूबसूरत थे, दूसरी तरफ ओवर टूरिज्म ने मचा रखा था। कुछ नए दोस्त बने, कुछ नई दुनिया देखी, मगर सी सिकनेस ने सिखा दिया कि ये लंबी बोट राइड्स हमारे लिए नहीं। हमारी नाव तो अपनी मंजिल पहुंच गई मगर हमारी मंजिल अभी दूर थी। लॉम्बोक पहुंचने के बाद हमको एक फास्ट बोट लेनी थी बाली के लिए और उस नाव में जो हुआ वो आप खुद ही देख सकते हैं। मौसम खराब होने के चलते उस दिन समुन्दर की लहरें बहुत तेज थी। नाव में हलचल इतनी थी कि कम से कम नहीं तो 30 लोगों ने वॉमिटिंग की होगी। फिर एक तेज झटका आया और लोग लाइफ जैकेट की तरफ टूट पड़े।
एक इंडियन लड़का जो पहले बोट के पीछे बियर इंजॉय कर रहा था, उसको तो पैनिक अटैक आ गया। लाइफ जैकेटें थोड़ी कम थी तो मैंने अपनी डोनेट कर दी, क्योंकि मुझे लगा कि अगर नाव डूबी तो ऐसी लहरों में तो मैं लाइफ जैकेट के साथ भी नहीं बच पाऊंगा। और फिर अनहोनी ऐसी हुई कि हमारी फास्ट बोट को एक सुपर फास्ट लहर ने ऐसी टक्कर दी कि आगे का पूरा शीशा टूट गया और पानी अंदर आ गया। इम्पैक्ट इतना था कि 15 से 20 लोगों के खून निकल आया। उसके बाद भी बोट वाले ने बोट धीरे नहीं की। जब फाइनली बाली पहुंचे, सबके बैग पानी से पूरी तरीके से भीगे हुए थे और सब इतने डरे हुए थे कि नाव का अगला स्टॉप नूसा पनीडा था, मगर फिर भी सारे लोग बाली में ही उतर गए। बाली में फास्ट बोट क्रैश होना कोई नई बात नहीं है। आपने शायद सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस देखे होंगे। बाली में इतना टूरिज्म और स्कैम है कि बहुत सारी बोट सर्विसेज लीगल भी नहीं है। तो अगर आप बाली जाएं और आपको किसी आइलैंड पे जाना है तो मौसम और बोट कंपनी देख के ही जाएं। ओके? क्रेजी सीन है भाई, क्रेजी भाई साहब। वाओ, व्हाट इज दिस प्लेस मैन, इट्स लाइक राइट आउट ऑफ अ ड्रीम भाई साहब, लुक एट दिस। वाओ, उधर से सनराइज होता हुआ और बहुत ही खूबसूरत नजारे। वाओ, ब्यूटीफुल। इसके पीछे है अगुंग जो दिख नहीं रहा है, बट बहुत बढ़िया, वेरी गुड परफॉर्मेंस। तो एक बार ड्रोन भी उड़ा लेते हैं, देख लेते हैं कुछ आ रहा है कि नहीं। बट सही है,